हेलो पीपल, वेलकम बैक टू एसी दिल्ली ब्लॉग। भाई आज मैं आपको लेके आ गया हूँ ड्रैगन पार्क दिखाने के लिए, वो भी सराय काले खान दिल्ली के अंदर में। तो भैया ये पार्क बहुत ही खास होने वाला है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक जानकारी दूंगा और कंप्लीट टूर देने वाला हूँ आपको ड्रैगन पार्क का। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ड्रैगन, अगर बच्चे आना चाहते हैं तो भाई उनको बहुत मज़ा भी आने वाला है, साथ ही साथ डर भी लगेगा अगर वो जानवरों से डरते हैं। और ये तो एक ऐसा जानवर है जो दुनिया का सबसे बड़ा जानवरों में से माना जाता है, देखा तो किसी ने नहीं है, मगर आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ ड्रैगन। तो दोस्तों अभी मैं बाहर हूँ और यहाँ पे पीछे आप मेरे देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ खाने पीने की दुकानें भी दिख रही हैं और ये है यहाँ का मेन एंट्रेंस। तो भाई वेस्ट टू वंडर आने के लिए आपको यहाँ पे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन मिल जाता है सराय काले खां का, वहाँ पे आप उतर के आ सकते हैं। बाकी आप ऑटो वगैरह लेके कहीं से भी आ सकते हैं, सराय काले खां मेट्रो स्टेशन के साथ में ही है वेस्ट टू वंडर। तो अंदर आपको आज लेके चल के दिखाने वाला हूँ बहुत सारे डायनासोर, यानी डायनासोर पार्क दिखाने वाला हूँ, वो भी वेस्ट से बना हुआ। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो भाई एंट्री कर चुके हैं, रात को अगर आप आते हैं मतलब शाम के टाइम पे, तो यहाँ पे अच्छी खासी लाइटिंग देखने को मिलती है, यानी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने की बहुत ही परफेक्ट जगह ये हो जाती है। तो आप सराय काले खां के पास वेस्ट वंडर में आ सकते हैं पिकनिक मनाने के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आज, यहाँ पर खाने पीने की जगहें भी हैं तो वो सब भी देखेंगे। फिलहाल एंट्री करते यहाँ पर सबसे पहले हमें एक देश के जवान गन लेके, ये पूरा वेस्ट से बना हुआ है, सब कुछ बहुत ही अद्भुत देखने को मिलने वाला है। तो भैया ये जगह ऐसी है जहाँ आप आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और साथ ही यहाँ पे बच्चों के लिए, यार यार बच्चों के लिए काफ़ी कुछ हो गया, पहले यहाँ पे बच्चों के लिए नहीं था, अभी फ़िलहाल बच्चों के लिए बहुत कुछ हो गया है। और ये जंपिंग जंपिंग वाला यार, जंपिंग जपांग, ओहो हो हो, सही मज़ा आता है इसमें बच्चों को। भैया ये बच्चों के लिए फ्री है क्या? अच्छा इसका टिकट लेने पर कितने का होता है? वहाँ बात करिए ना। अच्छा वहीं बात कर लो, ठीक वहीं बात कर लेता हूँ। भैया ये कितने का है, कौन बताएगा कितने का है? आप बताओ। तो कैसे लेंगे टिकट, टिकट दोगे आप? टिकट देंगे 100 रुपीज़। हाँ तो 100 रुपीज़ का है ये बच्चों के लिए है। वैसे नहीं बता रहे, पता नहीं क्या हो गया इनको, क्या बता रहा है यार। अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ कितने का है, इधर इधर कर लिए तुम। 100 रुपीज़ का है। हाँ ये भी 100 रुपीज़ का है भैया, यहाँ टिकट बताने पर ही इनको शर्म आ रही है, पता नहीं क्या उखड़े उखड़े से लोग हैं। तो भैया अगर यहाँ पे अंदर का कोई स्टाफ इस वीडियो को देख रहा है तो देख लेना, ये लोग सही से जवाब नहीं दे रहे और अलग ही बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो ये चीज़ गंदी देखने को मिली है मुझे। बाकी अभी चलता हूँ यहाँ पे, एंट्री करते ही थोड़ा आगे आए हैं, यहाँ पे एक मस्त सा फुहारा देखने को मिल रहा है, ओहो गजब, बच्चों को मज़ा आता है। देखो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए आए हुए हैं, बहुत सही लग रहा है। तो भैया ये MCD के द्वारा बनाया गया है, तो अब दिल्ली की जो म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन है दिल्ली की, उन्होंने बनाया है, डेवलप किया है इस जगह को बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और क्या है यार ये, ओ भाई डायनासोर पार्क में ये इतना बड़ा डायनासोर जिसके ऊपर चढ़ के आप जा सकते हैं, शायद सरकते हुए आ सकते हैं, वो बहुत ही अलग है, वाओ मज़ा आने वाला है। तो अभी यहाँ चलने वाला हूँ मैं आपको लेके ऊपर। तो भैया जिस स्कूटर पर बैठ के अभी मैं मज़े ले रहा था, ये स्कूटर देखो यहाँ पर सीट है ही नहीं, यहाँ पर टायर लगा दिए गए हैं और टायर के ऊपर भी फ्लैट कर दिए गए लोहे से, ओह हो बिल्कुल खटारा है ये। तो चलो आगे। तो दोस्तों अब दिखाने वाला हूँ आपको पिरामिड ऑफ गीजा, चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ चढ़ जाओ। ये देखो छोटा सा बना हुआ है, मगर छोटा इतना भी छोटा नहीं है, देखो ये देखो, चढ़ो 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 चढ़ो, ये देख रहे हो कितना कितना बड़ा सा है। अभी ये सीढ़ियाँ हैं, असली वाले में शायद एक सीढ़ी बहुत बड़ी बड़ी होती होंगी, इसमें इतनी इतनी सी बनाई गई, इतू इतू सी बनाई गई हैं, मगर हाँ काफ़ी अच्छा खासा ऊँचा है, मेरा हाथ पहुँच पा रहा है, देख लो कौन बता रहा है, बताएगा कि मेरा हाथ ऊपर पहुंच पा रहा है कि नहीं। ये वैसे काफ़ी ऊंचा है, ये लगभग होगा 10 फीट से ज़्यादा होगा ना, ये 10 फीट से ज़्यादा होगा, लगभग 12-14 फीट के आसपास है। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स बनाई गई हैं, बहुत सारी जगहें बनाई गई हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली, जैसे कि 7 अजूबे कहे जाते हैं ना, तो 7 तो अजूबे तो बने ही हैं, साथ में बहुत सारे और भी अजूबे बने हुए हैं ऐसे, तो अगर आप भी उन अजूबों में से आते हो तो आपको भी यहाँ पे आना चाहिए एक बार। झाड़ियाँ यहाँ पे काफ़ी सारी हैं और देखते हैं कोई दिख रहा है क्या, कोई दिखे तो ज़रूर बताना कमेंट में, दिखा क्या? नहीं दिखा, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर और तैयार किए जा रहे हैं, जो ये पेड़ देख रहे हो आप, पेड़ तो आपको नहीं दिख रहा होगा, मगर ये जो शेप तैयार किया गया है घोड़े वाला, ये घोड़े की शेप में नीचे एक पौधा लगाया गया है देखो, और ये पौधा कुछ टाइम के बाद ना पूरे घोड़े की शेप में ढल जाएगा, मतलब वो पौधा ही घोड़ा बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे यहाँ आगे जिराफ एक बनाया गया है, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अब दिखाने वाले हैं टावर ऑफ पीसा, यानी पीसा का मीनार, और ये रहा अपना मीनार, आओ देखते हैं।
गोल 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 गोल। और ये सब कुछ रात में और भी अच्छा लगता है क्योंकि रात में ना लाइटिंग्स जलती हैं, तो ये जो कुछ देखने को मिल रहा है मतलब किससे बना हुआ है, ये तो मुझे लग रहा है ट्रक के जो सामान होते हैं ना, हार्डवेयर जो उसकी मशीनें होती हैं, इंजन में से निकाल निकाल के बनाया गया। और गोल 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 तो काफ़ी कुछ है, इसके बारे में लिखा भी हुआ है, आप लोग आके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने वाला काम मैं नहीं करूँगा, ये आप करना। तो अभी चलते हैं आगे अगला देखने के लिए और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। ओ ओ, इसको वीर धनुष चला रहा है, देख रहे हो, ये धनुष बाण मारता है, छेद कर देता है। ये देखो यहाँ छोटा सा जंगल है, जंगल में शेर और जानवर भी बनाए गए हैं, ये सब वही वेस्ट से बनाया गया है। और देखो पेड़ों में भी लाइटिंग्स हैं, तो रात में बहुत ही कलरफुल लगने वाला है। मैं बता तो रहा हूँ, अगर मैं रुका रात तक तो आपको एक झलक और दिखाने वाला हूँ यहाँ पे रात का। ओ भाई, आप देखने के लिए आ चुके हैं स्टेचू ऑफ लिबर्टी, देख रहे हो, ये अमेरिका में है और आप इंडिया में सराय कालिखा के अंदर ही देख सकते हैं इसको। तो अमेरिका जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी सराय कालिखा में पूरा दुनिया देखने को मिलने वाला है। तो बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा पूरी दुनिया घूमे सराय कालिखा में। और ये भी बनाया गया है वही वेस्ट आइटम से, और ये देख रहे हो ये 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 सब भी वही वेस्ट से ही बना हुआ है, पता नहीं कैसे कैसे बनाया गया यार, बनाने वाले में बहुत कला रही होगी, बहुत ही खुरापाती आदमी होगा जिसने ये सब सोचा होगा बनाने के लिए, पता नहीं बनाया है। हाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से स्प्रिंग निकाले होंगे, यहाँ लगाया है, आप देख सकते हो ऐसा कुछ बना है, बन के बहुत सही निकल के आया है। देखो उसके सर पे जो वो धारदार वो चीज़ें लगी हैं ना, वो सब भी कहाँ से निकाली होंगी उसने। और उसके सर पे जो बाल लटक रहे हैं ना, यहाँ से आपको दिखा तो नहीं सकता, मगर वो बाल भी ना वो साइकिल की चैन है, तो ऐसा कुछ बनाया गया है, बहुत तगड़ा आर्ट है ये। मैं सलाम करता हूँ उन आर्टिस्टों को, हाँ आर्टिस्ट और कलाकारों को, अरे जो भी कह लो, बहुत ही महान थे वो। तो चलिए चलते हैं अभी अगला देखने के लिए, तो ऐसा बहुत कुछ है और अभी चलेंगे डायनासोर वाला दिखाऊंगा एक बार फिर से। लो भाई घूमते फिरते अब आ चुके हैं फ्रांस में हम, और यहाँ पे आपको आईफिल टावर देखने को मिलता है दोस्तों। वाह भाई वाह, बहुत सही लग रहा है। और वही सेम चीज़ फिर डायलॉग चिपकाता हूँ मैं कि रात में ये और भी अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ, कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताना। उम्मीद है कि इतनी सुंदर जगह आपने दिल्ली में और कोई नहीं देखी होगी, और बहुत सस्ता है, 50 रुपये में भाई घूम रहे और क्या चाहिए। तो भैया थोड़ा सा और आगे चले आए तो यहाँ पे एक छोटा सा हट देखने को मिलता है, अगर आप अपनी महिला मित्र के साथ आते हैं तो रात को यहाँ अंधेरे में बैठ सकते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर हैं, मगर ये आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे क्योंकि इनका खुद उखड़ चुका है सब कुछ। अरे अच्छा अच्छा, उखड़ा है मगर अभी सेट है, थोड़ा सा निकलेगा नहीं, तो फिलहाल ये शायद ख़राब हो चुके हैं, इनको दोबारा बनाना पड़ेगा। देखो वहाँ पे एक बर्ड है, बर्ड भी एकदम ध्वस्त हो चुकी है, और इनको कैसे बनाया गया ये चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा इसमें तो भर दिया गया है, फोम वगैरह भर दिया गया था, मगर उसका फोम भी ख़राब हो चुका है। और फिलहाल ये घोड़े बनाए गए थे जिसके अंदर पौधे अपनी शाखाओं को बढ़ा के इस पेड़ को जीवंत बनाते हैं, मगर उससे पहले वो पेड़ ही सूख चुके हैं। तो अभी यहाँ भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा। और इधर देखो डॉल्फिन फिश, मतलब उस मछलियाँ घोड़े सब गिरे पड़े हैं, मतलब कोई तबाही ज़रूर आई होगी यहाँ पे। तो ये तबाही का मंजर है भाई, जब सुनामी आती है तो ऐसे कुछ सब कुछ उजड़ जाता है, तो ऐसे ही था। और आगे चलते हैं देखते हैं। ओ भाई कुछ तो अद्भुत देखने को मिल रहा है, एक बड़ा सा आदमी देखने को मिल रहा है, चलिए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये जो बड़े वाले भैया खड़े हैं ना, तो ये ब्राज़ील से हैं, रियो रिडीमर इनका नाम है, और ब्राज़ील में ये रहते थे, काफ़ी बड़े से हैं और बहुत बड़ा स्टेचू है ये, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये पिलर वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आए हैं जिनसे इन्हें बनाया गया है। तो भैया इनके बारे में थोड़ा सा बताने से पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ कैसे कैसे बनाए गए ये। तो ये काफ़ी बड़ा है, और इसमें क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक पाइप्स लगी हैं, ऑटोमोबाइल स्क्रैप्स लगा है, बाइक चेन्स लगी हैं, और स्प्रिंग्स लगी हैं बालों के लिए, देखो फॉर हेयर्स, और साइकिल रिक्शा एंगल्स वगैरह लगा हुआ है। तो इन सब को मिला के 4.5 से 5 टन के बीच में स्क्रैप यूज़ किया गया है इसको बनाने के लिए। भैया ये भी वही मैंने बताया ना, ब्राज़ील से हैं ये, देख लो ये भी ब्राज़ील से हैं, और ब्राज़ील में ये स्ट्रक्चर बना हुआ है सीमेंट वगैरह से होगा, मगर हमारे देश के जवानों ने यहाँ स्क्रैप मतलब कचरे से भी यहाँ पर सुंदर सुंदर चीज़ें बना रखी हैं। तो चलिए अगला देखने के लिए चलते हैं, इधर से ज़्यादा अच्छा दिख रहा हूँ, इधर से ज़्यादा अच्छा दिख रहा हूँ, तो अभी लेके चलता हूँ। यहाँ भी जंगल बहुत है, मतलब कुल मिला के आप अपनी महिला मित्र के साथ किसी भी कोने में घुस सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और आगे, गेस करो क्या आने वाला है, गेस करो गेस करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, कमेंट में लिखो कमेंट में लिखो कमेंट में लिखो। ओए ओए ताजमहल आ गया भाई, ओए मैं अभी मोहब्बत की बात ही कर रहा था, देखो मोहब्बत की निशानी ताजमहल यहाँ पे देखने को मिल रही है, बहुत सुंदर है। अभी मोहब्बत की निशानी आ गई, देखो अभी मोहब्बत की बात कर रहे थे, मोहब्बत की निशानी आ गई, और मेन देखते हैं पानी भरा होता है ना बीच में, पानी देखने को मिलेगा, मिल रहा है मिल रहा है मिल रहा है मिल रहा है भाई, पानी भी यहाँ पे सब कुछ है। बाकी यहाँ घास नकली लगाई गई है, असली वाली नहीं है, तो कारपेट बिछा दिया गया, बताओ उगा नहीं सकते, घास नकली लगा रखी है।
कोई बात नहीं, बाकी जगह अब भी औसम है, मज़ा आ रहा है। एक बार इसका जूम व्यू आपको दिखाता हूँ। आखिरकार मीना लिसा पूसा सबको देखने के बाद हम आ चुके हैं एक और बेहतरीन जगह पे, और चल के देखते हैं ये वाला कौन सा है। ये तो बिल्कुल स्टेडियम जैसा लग रहा है, टेंपल ऑफ पीस। ये कोलोसियम टेंपल ऑफ पीस के नाम से इटली में बनाया गया था, और अच्छा रोम में बनाया गया था। बहुत बढ़िया, 162 पिलर वगैरह स्क्रैप लगाए हैं, 410 तो कार की व्हील्स लगाई गई है। लगे कहाँ यार पता नहीं, मगर लगाया गया ऐसा कुछ इसमें लिखा गया है। और यहाँ पे भाई 1000 रुपये का जुर्माना लिखा गया है अगर अपने महिला मित्र के साथ पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना। तो गर्लफ्रेंड के साथ आए तो ध्यान से। भाई सबसे खतरनाक वाली जगह आ चुका हूँ जहाँ पे ड्रैगन ही ड्रैगन है। ओ देखो, अरे ये ड्रैगन नहीं है यार, ये ड्रैगन नहीं है, ये देखो ड्रैगन कार में कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्टेबल ड्रैगन। ये देखो ये चलेगा। चलो चलो आवाज़ निकाल रहा, देखो भयानक आवाज़ निकल रही है इसमें से। चला। ओए मुंह भी खुल रहा है इसका, तो मुंह खुल रहा है। ये देखो भाई ड्रैगन में बैठने के लिए जा रहे हैं लोग, और ड्रैगन कार वाली ड्रैगन है। देखो इसके अंदर कार बना रखा है, कार को सीधा फिक्स कर दिया, ड्रैगन बना दिया। तो भाई ये सारी चीज़ें देख के बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है। और यहाँ देखो ये लकड़ी का बनाया गया है यार, अच्छा ये पत्तियाँ फंसाई गई हैं, बाकी ये लोहे का ही है। और काफ़ी बड़ा ड्रैगन है ये देखो, जाइंट ड्रैगन। और ये ड्रैगन ही ड्रैगन है, वो भाई एक ड्रैगन वो चढ़ के बैठा है। ओ भाई दो इधर बैठे हैं, दो चढ़ के इधर बैठे हैं, देखो वाह। कहाँ उधर भी है क्या डायनासोर? हाँ डर नहीं लग रहा डायनासोर से? अंदर अभी क्या देखा तुमने? डायनासोर अंदर है, जाओ पकड़ के लाओ। ये देखो डर रहे हैं ये। चलो अभी आगे और बड़े बड़े डायनासोर मिलेंगे। ये देखो फोटोज खिंचवा सकते हैं डायनासोर के साथ। अरे कितना बड़ा यार, ये देखो आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा डायनासोर है ये तो। और इसके अंदर एक्टिविटीज़ है यार, खेल सकते हैं जाके। ओ भाई खतरनाक, और ये तो है ही इतना बड़ा, साथ में ये देखो और खतरनाक। इसके तो फेस पे एकदम पेंटिंग वेंटिंग कर रखी, एकदम कलरफुल डायनासोर है ये। इसके अंदर भी घुस सकते हैं क्या? ओए 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 ओए, नहीं इसके अंदर घुस नहीं सकते, मगर अच्छा लग रहा है यार, काफ़ी सुंदर लग रहा है ये वाला। और ये सीमेंटेड बनाया गया है ना, ये फिक्स है एकदम सीमेंटेड है। ओ इसका अंडा भी है, इसका अंडा भी देखने को मिल गया। तो फाइनली इसका अंडा भी देखने को मिल गया है, अब जल्द ही डायनासोर अपने मतलब दुनिया में फिर से आ जाएंगे। ये देखो ये बहुत प्यारा है, ये देखो। और यहाँ पे ऐसे कुछ और स्टार वगैरह बना रखे हैं, अंडे वगैरह बना रखे हैं। और ये सब चीज़ें ना बच्चों को देख के बड़ा मज़ा आता है। देखो छोटा सा बच्चा गया हुआ है झूला झूलने के लिए। हम भी जा सकते हैं, जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। चलो आ जाओ आ जाओ, आ रहे मज़ा आ रहा है, मज़ा। अब चल रहा हूँ भाई झूला झूलने के लिए। ये देखो ओए ये वाटर पार्क हो गया। ओए 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 पैंट गर्म हो गई, अरे पैंट गर्म हो गई भाई, काफ़ी अच्छा था ये। ये वाला है देखो, ऐसी स्लाइड्स भी बनी हुई हैं, डायनासोर पे चढ़ के सरक सकते हो। इसके पैर देखो भाई डायनासोर के, कितने खतरनाक लग रहे हैं। और देखो अभी इधर यहाँ पे सरकते हुए आते हैं, ऊपर चढ़ते हैं और ये स्लाइड करते हुए आते हैं। बच्चों को बड़ा मज़ा आता है इसमें, लेके चलता हूँ जल्दी 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 जल्दी। चलो कोई तो आ जाओ, कोई आ जाओ एक सरकते हुए, बस पैसा वसूल। देखो काफ़ी सही बनाया गया यार, बिल्कुल ये अम्यूजमेंट पार्क बन गया है पूरी तरीके से। अभी मज़ा तो आता है सरकने में, ये देखो। और कोई चार्ज नहीं है इन पर सरकने का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये देखो एक भाई आ रहा है, कोई आ जा छोटे बच्चे को लेके आ रहा है। आ जा ये देखो कैसे मजे ले रहे हैं, देखे ना बहुत जाइंट था। देखो इसकी पूंछ खतरनाक। आगे चलें फिर देखने को क्या मिलता है। और ये देखो ये यार मुझे लाइट्स का इंतजार है यार, रात में बहुत अच्छी जलेंगी। ये देखो पेड़ों में लगा हुआ है, यहाँ से भी आवाज़ आ रही है। ओए पूरी दुनिया को ध्वस्त कर दिया इन डायनासोरों ने, अब भी इन बाज नहीं आ रहे। देखो क्या हालत बना दी है।
ओए होए होए चल रहा है, इसका मुंह चल रहा है। ओए होए होए वो दांत भी है, मुंह में दांत है, मुंह में दांत है। ये देखो खतरनाक है ना, डायनासोर ने तबाही मचा रखी चारों तरफ। भैया पेड़ और लगा रहे हैं, हरियाली बढ़े, डायनासोर हटे। ये देखो यहाँ पे आगे एक और डायनासोर दिखा है, डायनासोर डायनासोर ही डायनासोर भरे पड़े हैं पूरे पार्क का नाम। अब तो वेस्ट टू वंडर से हटा के डायनासोर पार्क ही रख देना चाहिए, क्योंकि डायनासोर पार्क के नाम से वैसे ही फेमस है। ये देखो ये और तबाही मचा रखी है भैया, वेस्ट कारों का खूब इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, और डायनासोर ने खूब तोड़ मचाई है। लो जी मिल गया सबसे परफेक्ट शेप वाला डायनासोर, काफ़ी बड़ा बनाया गया है और एकदम बहुत सुंदर और बहुत बड़ा बनाया गया है, तो देख के भी अच्छा लग रहा है। और भाई डरावना तो है ही, कि मगर ये चलता नहीं यार, इसमें वो नहीं लगा रहे हैं इन्होंने, काफ़ी बड़ा है ना, इसको संभालना बड़ा मुश्किल होगा। तो भैया लिजर्ड शेप में यहाँ पे एक ड्रैगन दिख रहा है यहाँ पे, ये तो मगरमच्छ लग रहा है, ड्रैगन कम लग रहा है, मगरमच्छ ज़्यादा लग रहा है। देखो कैसा बनाया गया, इसके अंदर पत्थर भरे गए यार, पत्थर है, लोहा है, पत्थर है, और काफ़ी गजब का बनाया गया। और यहाँ भाई एकदम ऐसा लग रहा है जैसे सचमुच में किसी ड्रैगन की दुनिया में आ गए हैं। देखो पानी किनारे ये पानी पीने आए हुए हैं बहुत सारे ड्रैगन, और उस तरफ अलग ही बवाल चल रहा है, क्या हो गया, लड़ाई चल रही क्या? लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, एक ब्रिज भी है, चलता हूँ ब्रिज पे लेके अभी। ओ भाई सही लग रहा है, देखो क्या है क्या है क्या है। भाई ये वाला देखो, ये तो पूरा पूरा टायर से बनाया गया है, साइकिल के टायर को प्लेन कर करके। ए भाई गजब है, और आग लग गई तो कितना धुआं निकलेगा सोचो। और ओ ये तो कलरफुल वाला यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, खूबसूरत, वाह भाई वाह। और ये देखो, ओ भाई यहाँ तो बड़ी वाली वाटर स्लाइड बना दी है, बस इसमें पानी डाल दें तो वाटर पार्क हो जाएगा। हाँ बहुत सही लग रहा है, ये सरकता भी होगा, लग नहीं रहा है मुझे। जाओ 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 जाओ, आओ आओ आओ, आओ। तो फाइनली एक कलरफुल वाला अच्छा वाला मिल गया, इसे देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इधर देखो हट बना हुआ है, ऐसे बहुत सारे हट्स हैं, मतलब चलते चलते आप थक जाओगे, और बच्चों को चढ़ने के लिए इसके पीछे काफ़ी अच्छा बनाया गया यार। ओए 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 ओए, चलो 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 चलो, अच्छा क्लाइंबिंग बच्चों को दे रखी है, जो थोड़े से स्मार्ट हो जाएं बच्चे खेल खेल के। ये देखो चढ़ने वाला बनाया, तो भैया यहाँ का सबसे बड़ा वाला ड्रैगन मिल गया है यहाँ पे, बहुत बड़ा है ये, लगभग 40-50 फीट के आसपास होगा, और इस पर चढ़ के ऊपर से स्लाइड करते हैं नीचे की तरफ, बहुत मज़ा आता है। और सभी में ड्रैगन, जो सभी डायनासोर्स बने हुए हैं, ड्रैगन्स बने हुए हैं, इनमें खास बात है कि पीछे पूंछ की तरफ स्लाइड दे दिया गया है, तो बच्चों को भैया सरकने में यानी अम्यूज़मेंट पार्क का मज़ा लेना, अम्यूज़मेंट पार्क सरकने में बड़ा मज़ा आता है भैया ऐसे में। तो भाई खूब इंजॉय कर रहे हैं बच्चे, देखो बच्चे बहुत खुश हैं एकदम, हर जगह बच्चे मज़े से खेल रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे भी, बहुत सही बनाया गया। अभी चलता हूँ ऊपर, वैसे तो सुना है कि शायद बंद कर दिया गया, ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं, हाँ ऊपर ताला लगा दिया यार, अरे बंद कर रखा है यार, अरे अरे पता नहीं क्या रीज़न है यार इसको बंद कर रखा है। बाकी बहुत बड़ी स्लाइड थी, मज़ा आता है इसमें सरकने में, देखो इतने ऊपर से सीधा नीचे, काफ़ी नीचे है। तो चलता हूँ, और फिलहाल उम्मीद है कि जल्दी से खोल दिया जाए। ये देखो भाई कितना बड़ा डायनासोर है, डायनासोर, अरे इंसान देख रहे हो, ये देखो ये पुद्दे से इंसान दिखते हैं इसके आगे, इतना बड़ा डायनासोर यहाँ पर बनाया गया है। लो जी फाइनली आ चुके हैं फूड कोर्ट में, और देखते हैं क्या कुछ खाने पीने को मिलता है यहाँ पे, और काफ़ी सही लग रहा है। रात को यहाँ पे नाइट पार्टी गजब की होने वाली है, मतलब डेट पे लेके आ सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे। और ये देखो लाइट्स जब जलेंगे ना तो बिल्कुल डेट वाला फील आएगा। तो 14 फरवरी को अपने महिला मित्र के साथ वेस्ट टू वंडर आएँ और अपनी रातें रंगीन बनाएँ। और साथ ही एक और चीज़ बता दूँ कि अपनी महिला मित्र के साथ आएँ तो घर से खाना ना लाएँ, क्योंकि यहाँ पर आउटसाइड फूड नॉट अलाउड है। तो चलते हैं कुछ और देखते हैं खाने पीने के लिए क्या है, क्या प्राइस है। मैं आपको एक एवरेज प्राइस बताता हूँ, छोले भटूरे के प्लेट 150 रुपये के हैं भाई, समोसा 30 रुपये, ब्रेड पकौड़ा 30 रुपये, ठीक तो है यार प्राइस तो ठीक है। मिक्स पकौड़ा 120 रुपये का है, पाव भाजी 150 रुपये की है, बाकी फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह लेना चाहते हैं 150 रुपये मैक्सिमम खाना यहाँ पे 150 रुपये का है। और क्या खाते हैं मैक्सिमम लोग, अगर कपल आते हैं तो भैया उनको तो चाहिए होता है पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा यहाँ पे 200-250-300 रुपये के आसपास पिज़्ज़ा मिलने वाला है, और सैंडविच वगैरह भी 150 रुपये। तो कुल मिला के खाना 150-300 रुपये में दोनों लोग खा लोगे, और 20 रुपये कोल्ड ड्रिंक पी लेना, बात बराबर।
हो गया हो गया हो गया, बहुत दम है बहुत दम है बहुत दम है, अभी दम बहुत है। अरे उतर गया जान मुझे, उतर गया, चढ़ जाना चाहिए। अरे चचा। तो दोस्तों फाइनली आपको पूरा ड्रैगन पार्क दिखा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ अगर इस जगह पे घूमने आना चाहते हो, और मेरे इंस्टाग्राम को भी जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहा, बिल्कुल बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इंस्टाग्राम हैंडल, वहाँ पे जाइए डायरेक्ट फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, लेटेस्ट जानकारी आपको वहाँ पे मिलती रहती है। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं ऐसे नए मजेदार ब्लॉग के साथ, देखते रहिए इसी दिल्ली ब्लॉग, बाय बाय। ये देखो ये वाला फल देखो अमर फल है, और ये अंकल जी बता रहे हैं खा के अमर हो जाओगे, क्यों अमर सच में अमर हो जाओगे खा करके। ये वाला फल यहाँ देखना कैसे बना रहे हैं यार, मुंह में पानी आ रहा, सुना खट्टा खट्टा होता ना, और नमक डालना और मिर्ची डालना, मज़ा आने वाला है।